हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे से हों। सो वी वर डिस्कसिंग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने लॉजिकल काउंटिंग कर ली थी। हम लोगों ने ये देख लिया है कि परमिटेशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है। आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसकी हेल्प से मैं ये समझाना चाहूंगा कि एक्चुअली वाइस वर्सा चीजें रहेंगी। क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन पे अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर बनाएंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज किस तरह से करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, सो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ रूम हैज सिक्स डोर्स, इन हाउ मेनी वेज अ मैन, फर्स्ट पार्ट, कैन एंटर थ्रू अ गेट एंड एग्जिट फ्रॉम अ गेट। यहाँ डोर्स की जगह गेट्स लिखे, वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन में या लॉजिकल काउंटिंग में। तो फटाफट से देखिए, एक रूम है जिसमें छह गेट्स हैं, है ना, छह गेट्स हैं और एक आदमी है, उसे वो कितनी तरीकों से गेट में एंटर कर सकता है और कितने तरीके से बाहर निकल सकता है। तो आप देखिए यहां एंड वर्ड का यूज किया हुआ, मतलब हमें, आप बात समझिएगा ध्यान से, आपको एंटर करना है और बाहर निकलना है, ये प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। द मैन हैव टू एंटर इन द रूम एंड देन एग्जिट द रूम, पहले उसे रूम में एंटर करना है थ्रू एनी गेट एंड देन ही हैज टू लीव द रूम, ही हैज टू एग्जिट द रूम थ्रू एनी गेट, ठीक। अच्छा, अब रूम के अंदर एंटर किया किसी भी एक गेट से, ये रूम हो गया हमारा अंदर का, ये रूम है, इस गेट से एंटर किया, ठीक है। तो देखिए, समझिएगा बात को, ये गेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, गेट 1 से एंटर किया तो निकलने के फिर कितने तरीके हैं। अगर 1, ध्यान दीजिएगा, ये मैं एंटर का और एग्जिट का, एंटर और एग्जिट का ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं। अगर 1 से हम एंटर कर रहे हैं तो एग्जिट कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 से भी एग्जिट हो सकते हैं, 2 से भी एग्जिट हो सकते हैं, 3 से भी एग्जिट हो सकते हैं, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, ये एंटर होने के लिए गेट नंबर 1 है और एग्जिट करने के लिए गेट नंबर 1 भी यूज कर सकते हैं, गेट नंबर 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अगर आप ध्यान दें तो ये वही क्वेश्चन हो गया, 2 डाई थ्रो किए गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताइए, है ना। आप समझिए बात को, एंटर करने के तरीके हमारे पास 6 हैं। एक तरह से अगर आप देखें तो इस प्रोसेस में आपको 2 काम करने हैं, एक तो रूम के अंदर एंटर करना है एक काम, और दूसरा उस रूम से एग्जिट होना है, और ये दोनों काम सक्सेशन में करना है, मतलब बैक टू बैक, एक बार एंटर होना फिर बाहर निकलना, ये तब जाकर के हम एक एक काउंट करेंगे। तब आप समझिए, एंटर होने वाला काम, 2 काम है आपके पास, देर आर 2 जॉब्स, एक तो है आपको रूम में एंटर करना और दूसरी जॉब है एग्जिट होना। एंटर होने वाले, ये एंटर रूम में एंटर करने वाली जॉब कितने तरीकों से की जा सकती है, 6 वेज है। या तो गेट नंबर 1 से आप एंटर कर जाइए, गेट नंबर 2 से, गेट नंबर 3 से, गेट नंबर 4 से, गेट नंबर 5, गेट नंबर 6, और एग्जिट करने वाली जॉब कितने तरीके से हो सकती है, 6 वेज है। या तो गेट नंबर 1 से बाहर आ जाए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ये 6 गेट एंटर करने के लिए, 6 गेट निकलने के लिए भी। तो ये दोनों काम सक्सेशन में करना है, मतलब एंटर होना है और एग्जिट होना है, एंटर एंड एग्जिट दोनों काम सक्सेशन में करना है हमको। तो यहां पर m इंटू एम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 × 6, दिस विल बी 36, 36 तरीके हैं रूम में एंटर होने के और निकलने के, एंटर होकर निकलने के टोटल 36 तरीके हैं, ऐसे समझिए, रूम में एंटर होके फिर निकलने के टोटल 36 तरीके हैं। कौन कौन से आप गिन भी सकते हैं, देखिए, गेट नंबर 1 से एंटर हुआ और फिर 1 से एग्जिट हो गया, या 2 से, या 3 से, या 4 से, या 5 से, या 6 से, तो 1 की एंट्री के साथ एग्जिट के 6 ऑप्शन बनेंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, है ना, 1-5, 1-6। सिमिलरली अगर गेट नंबर 2 से एंटर किए तो फिर बाहर निकलने के लिए
छह तरीके हैं, 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6, और इसी तरीके से 3, तो इसका मतलब 36 तरीके आपको मिल जाएंगे एंटर होने के और एग्जिट होने के। सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो। अब अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मैन कैन एंटर इन द रूम इज इक्वल टू 6, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच थ्रू विच द मैन कैन एग्जिट द रूम इज इक्वल टू 6, बाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन द टोटल नंबर ऑफ वेज थ्रू द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर एंटरिंग द रूम एंड देन एग्जिट इट will be equal to 6 into 6 is equal to 36 by principle of multiplication. ये तो मैंने समझा दिया, लिखने का तो दो दो तीन लाइन का काम है। ये जॉब नंबर वन, ये जॉब नंबर टू, जॉब नंबर वन n तरीके से, जॉब नंबर टू n तरीके से, दोनों काम सक्सेशन में करना है, बैक टू बैक एक साथ करना है, तो m into n that is 6 into 6 that will be 36. I hope आपको ये बात समझ में आ रही है। बहुत कहानियां बनती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और सारा खेल वर्ड्स का है और लॉजिक का है। बी पार्ट देखिए, द मैन कैन एंटर थ्रू अ गेट एंड एग्जिट फ्रॉम अनदर गेट। देखिए अब यहां भी दो जॉब है, एंड लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान दीजिए, एंट्री करनी है और एग्जिट होना है, लेकिन अब यहां एक कंडीशन लगा दिया, यहां कंडीशन लगा दिया कि जिस गेट से आप एंटर कर रहे हैं उस गेट से एग्जिट नहीं होना है। अ मैन कैन एंटर थ्रू अ गेट एंड एग्जिट फ्रॉम अनदर गेट, तो एंट्री के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, 6, और एग्जिट होने के लिए कितने तरीके हो गए, 5। क्यों 5 तरीके हुए ये समझ में आ रहा है। जिस गेट से आप एंटर कर गए, मान लीजिए आपने गेट नंबर 1 से एंटर किया, तो गेट नंबर 1 से आप एग्जिट नहीं हो सकते। अब आप गेट नंबर 1 छोड़ करके गेट नंबर 2 3 4 5 या 6 इससे एग्जिट करेंगे, तो आपके पास 1 के साथ देखिए 1 2 3 4 5 6 ये एंट्री वाले गेट, 1 2 3 4 5 6 ये एग्जिट वाले गेट। अगर आप 1 से एंटर किए तो आप 1 से एग्जिट नहीं करेंगे, 1 के साथ 2 से एग्जिट करेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अगर आप 2 वाले गेट से एंटर किए तो 2 में फिर 1 से एग्जिट करेंगे, 2 से एग्जिट नहीं कर सकते, 3 से 4 से 5 से 6 से। इसी तरह 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 5 30, 6 into 5 यही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, हर एक के साथ 5 5 बनेंगे, इस एक के साथ 5 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इस 2 के साथ भी 5 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इसके एंट्री के हर 6 गेट के साथ, हर 6 गेट के साथ 5 5 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 6 into 5 टोटल वेज इज इक्वल टू 6 into 5 इज इक्वल टू 30। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन बातों को कितनी तरीकों से रखा जा रहा है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से हो रहा है। ओके आई एम जस्ट गोइंग टू रेज दिस। ओके सही बात ये ठीक है, मैं यहां क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, लॉजिकल काउंटिंग में ना टाइम देना पड़ता है क्वेश्चंस को लेकर के। आप क्वेश्चंस को है ना, हर क्वेश्चन पे थोड़ी गहरी सांस लेकर के आराम से टाइम दीजिए, देखिए कि उसको, और हो सकता है आपके पास कोई दूसरा इनोवेटिव लॉजिकल काउंटिंग का तरीका आपको आपको कुछ यूनिक दिख जाए कि ऐसे काउंट करने से ज्यादा बढ़िया ऐसे काउंट करना है, हो सकता है आज तक किसी को ना दिखाई दिया। द पॉइंट इज टाइम दीजिए इन सब क्वेश्चन पर, देखिए कि क्या कोई और तरीका हो सकता है, या अगर कोई दूसरा तरीका आपके दिमाग में आ भी रहा है और उससे आंसर नहीं आ रहा तो फिर क्यों गलत है वो, है ना। उस अगर हमारा आंसर ज्यादा आ रहा है, अगर हमारे वेज ज्यादा आ रहे हैं तो मैं कौन से तरीके को 2 बार काउंट कर रहा हूं, अगर हमारे वेज कम आ रहे हैं तो मैं कौन सा तरीका छोड़ रहा हूं, ये सब सोचने वाली बात होती है। जैसे सी वाला पार्ट देखिए इसका, अ मैन कैन एंटर और एग्जिट द रूम, 6 गेट है उसके पास, या देखिए यहां पे लिखा हुआ है कैन एंटर और एग्जिट द रूम, या तो एंटर करे या एग्जिट कर जाए, इसके तरीके बताने, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंट्री वाली जॉब कितने तरीके हो सकती है, 6 वेज है। एग्जिट वाली जॉब कितने तरीके से हो सकती है, 6 वेज है। किस कितने गेट से हम एंटर कर सकते हैं, 6 गेट हैं तो 6 तरीके हो गए। कितने गेट से हम एग्जिट कर सकते हैं, 6 गेट हैं, 6 तरीके हो गए। अब यहां और लिखा हुआ है, और का मतलब या तो एंटर होना है और या तो एग्जिट होना है, मतलब अब हमको दोनों प्रोसेस को, दोनों जॉब को सक्सेशन में नहीं काउंट करना है, कलेक्टिवली नहीं देखना है, आइदर वी हैव टू एंटर द रूम और वी हैव टू एग्जिट द रूम, ये काउंट करना है, एंट्री के कितने तरीके हैं या फिर एग्जिट के कितने तरीके हैं। तो एंट्री के तरीके 6, एग्जिट के तरीके भी 6, 6 प्लस 6 6 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल टू
12 बाय प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और क्यों यहाँ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ हमको एंट्री और एग्जिट को सक्सेशन में नहीं परफॉर्म करना, इन दोनों को ऐसा, इन दोनों को हम क्लब नहीं कर रहे हैं। यहां पर पहले वाले ऑप्शन में और सेकंड वाले ऑप्शन में वन किसको काउंट कर रहे थे, एंटर होना फिर एग्जिट होना, इसे पूरी प्रोसेस की तरह देख रहे थे, एंटर होना एंड एग्जिट होना, इससे हम पूरी प्रोसेस की तरह देख रहे थे। यहां पर एंटर होना अलग प्रोसेस है और एग्जिट होना अलग प्रोसेस है, तो इन दोनों के अलग अलग तरीके गिन करके आप ऐड कर रहे हैं। यही बात है, बार बार आपको गौर करना है लॉजिक पर, ना कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूले पर। अगर आप बार बार कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो गलत डायरेक्शन जा रहे हैं। जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, जस्ट यूज योर फंडामेंटल लॉजिकल काउंटिंग, क्या कितने तरीके से आप एडिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंटर करने के कितने तरीके हैं। अगर एक ही घर में तीन गेट, एक ही कमरे के तीन गेट है, तो आप एंटर कितने तरीके से कर सकते हैं, तीन, एग्जिट कितने तरीके से कर सकते हैं, तीन। मैं आपसे पूछूं एंटर करने के या अंदर आने के या बाहर जाने के कितने तरीके हुए आपके पास, तो आप कितने बताएंगे, भाई तीन तरीके अंदर आने के और तीन तरीके बाहर जाने के, छह तरीके ही तो बताओगे, जोड़ के ही तो बताओगे, गुणा तो करोगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, इन क्वेश्चन को जरूर आप टाइम दीजिएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ फोर लेटर्स, है ना, चार अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ BOARD, बोर्ड, मतलब बोर्ड वर्ड के लेटर्स का यूज करके फोर लेटर्स के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना, अगर ठीक है, आप यहां जरूर वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद एक बार जरा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया हो और क्वेश्चन सॉल्व किया हो। इसको ऐसे भी कह सकता था कि हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ फोर लेटर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स, यू नो, यूजिंग द लेटर्स बी ओ ए आर डी, ऐसे भी पूछ सकता था, बोर्ड वर्ड ना लिख करके अलग अलग लेटर दे देता, इन्हीं लेटर्स का यूज करना है और चार लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, यानी कि ये है आपके पास बॉक्स मेथड, इसको कहते हैं। आप चार डब्बे बना लीजिए और इनमें आपको लेटर्स को भरना है, फिल करना है, ठीक है, डजंट मैटर कि उस वर्ड का मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता है, विद और विदाउट मीनिंग डजंट मैटर, वी हैव टू जस्ट फॉर्म वर्ड्स ऑफ फोर लेटर्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ बी ओ ए आर डी, ओके, यूजिंग दीज लेटर्स, ओके। सो अब आप देखिए यहां पर एक्चुअली, अगर आप किस तरीके से उसको देखेंगे, आप ऐसे समझिए कि यहां आपको चार जॉब है आपके पास, देर आर फोर जॉब्स फॉर यू, ओके, फर्स्ट जॉब इज टू फिल दिस बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, ओके, सेकंड जॉब इज टू फिल द सेकंड बॉक्स, थर्ड जॉब इज टू फिल द थर्ड बॉक्स, एंड फोर्थ जॉब इज टू फिल द फोर्थ बॉक्स, एंड इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू आवर फर्स्ट जॉब, पहली जॉब को, मतलब पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, या तो मैं इस बॉक्स में बी भर दूं, या तो मैं ओ भर दूं, या मैं ए भर दूं, या मैं आर भर दूं, या मैं डी भर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी ओ ए आर डी कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी भर सकते हैं, बी ओ ए आर डी, मैं बी से भी लेटर बना सकता हूं, वर्ड बना सकता हूं, सॉरी ए से भी बना सकता हूं, आर से भी, डी से, ओ से भी। तो यहां पर इस बॉक्स को भरने के पांच तरीके, देर आर फाइव वेज टू फिल दिस बॉक्स, यानी कि फर्स्ट जॉब करने के पांच तरीके हैं, देर आर फाइव वेज फॉर डूइंग फर्स्ट जॉब, सेकेंड जॉब करने के, मतलब सेकेंड बॉक्स भरने के कितने तरीके। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि हमें लेटर्स को रिपीट करना है कि नहीं करना है, जब क्वेश्चन में नहीं बताया है, ठीक है, तो वैसे तो आप फ्री हैं रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन दोनों को लेकर के, बट अगर नहीं बताया हो तो आप रिपीटेशन कंसीडर करके लगाते हैं, मतलब यहां मैं लेटर को रिपीट कर सकता हूं, ठीक है। चलो अच्छा, एक कंडीशन लगा लेते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज यू नो अलाउड, मान लिया कि रिपीटेशन अलाउड, तो अगर रिपीटेशन अलाउड है, अगर वो नहीं भी लिखा होता तो आप अलाउड पे ही लगाते, ओके, जब कुछ नहीं मेंशन किया रहता है तो आप यही मानते हैं कि ठीक है रिपीट कर लेते हैं अपने मन से, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मोड। तो फर्स्ट जॉब करने के, फर्स्ट बॉक्स में लेटर भरने के हमारे पास पांच तरीके, या तो बी भर ले, या वो भर ले, या ए भर ले, या आर भर ले, या डी भर ले। दूसरी जॉब करने के भी आपके पास पांच तरीके हैं, है ना भाई, बी अगर यहां भर लिया तो बी यहां भी भर सकते हैं, बी 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 बी, ये भी एक वर्ड ही बनेगा। अब इसका मतलब निकल रहा है या नहीं मतलब निकल रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उस वर्ड का मतलब निकले चाहे ना निकले उससे हमें कोई मतलब नहीं है,
हमें कोड बनाने हैं। आप ये सोचिए, मत समझिए कि वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वर्ड नहीं है, आप ये सोचिए कि वो चार लेटर्स जो है ना वो कोई कोड है, और कोड मीनिंगफुल मीनिंगलेस दोनों हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी जॉब करने के 5 तरीके, तीसरी जॉब करने के भी 5 तरीके, और चौथे बॉक्स को भरने के भी 5 तरीके। अब इनको ऐड करना है या इनका मल्टीप्लाई करना है, है ना, ये बात है। तो वर्ड कैसे बनेगा, इन चारों काम को एक साथ करने से बनेगा या इन चारों को अलग अलग करने से बनेगा। कहने का मतलब है कि या तो मैं ये बॉक्स भरूं, या तो मैं ये बॉक्स भरूं, या तो मैं ये बॉक्स भरूं, या फिर ये बॉक्स भरूं, इन चारों में से कोई एक बॉक्स भरूं इससे वर्ड बनेगा, या इसको भरूं फिर और इसको भरूं और इसको भरूं और इसको भरूं, ये और वाला लॉजिक लगाने से चार लेटर का वर्ड बनेगा, या वाला लॉजिक लगाने से चार लेटर का वर्ड बनेगा। आप खुद रियलाइज की थोड़ा सा यूज योर कॉमन सेंस। ओके, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, लॉजिक है ये सब, बहुत बार जनरली स्टूडेंट्स को पता नहीं, यूट्यूब पर मैं इतना बक 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 कर रहा हूं, पता नहीं आप लोग कितने परसेंट इसको ग्रैप कर पा रहे हो, बट यू नो लॉजिक है ये, एकदम कॉमन सेंस अपना यूज कीजिए। आप खुद समझिए इस बात को, अगर मैं इन चारों में से कोई एक ही, या तो मैं पहला बॉक्स भरूं या मैं दूसरा बॉक्स भरूं, अगर या वाला लॉजिक लगाएंगे तब तो एक ही बॉक्स भर आएगा, या तो मैं पहला बॉक्स भरूं या दूसरा भरूं या तीसरा, तो या का मतलब है चारों में से कोई एक भर लो, तो उस तरह से, तो उस तरीके से तो एक ही बॉक्स भराएगा, उससे चार लेटर का वर्ड नहीं बनेगा, सिंगल लेटर वर्ड बन जाएगा, मतलब वो सिंगल लेटर रहेगा वर्ड ही। हमें तो चारों चार लेटर का पूरा एक वर्ड चाहिए, वो कब बनेगा, जब पहला बॉक्स भी भराया और फिर और फिर दूसरा बॉक्स भरे और फिर तीसरा बॉक्स भरे और फिर चौथा बॉक्स भरे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज। इसको आप लगाएंगे कैसे, मैं फॉर्मली लगा दे रहा हूं इसको, मैं थोड़ा प्रॉपरली लगा दे रहा हूं, नंबर ऑफ वेज ऑफ यू नो फिलिंग फर्स्ट बॉक्स इज इक्वल टू 5, यू नो फिलिंग सेकेंड बॉक्स इज इक्वल टू 5, यू नो फिलिंग थर्ड बॉक्स इक्वल टू 5 एंड फिलिंग फोर्थ बॉक्स इक्वल टू 5। अब आप यहां लिखेंगे बाय यू नो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन टोटल नंबर ऑफ वेज of forming words, four letter words, so 5 into 5 into 5 into 5 that is 5 raised to the power 4, 625 words बना सकते हैं हम, या ये कहें 625 कोड्स बनाए जा सकते हैं इन 5 लेटर्स का यूज करके, फोर लेटर्स के 625 कोड्स बनाए जा सकते हैं इन 5 लेटर्स का यूज करके। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर यहां ये लिख देता, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अब उनको वो लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, मतलब अगर मैंने बी फर्स्ट बॉक्स में अगर मैंने बी फिल कर दिया, तो यू नो अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स में बी फिल कर दिया तो फिर वो सेकेंड बॉक्स में नहीं जाएगा, बी हम नहीं भर सकते, और समझ रहे बात को ना, अगर हमने पहले बॉक्स में तो भरने के लिए हम बिल्कुल फ्री हैं, बी भी भर सकते हैं, वो भी भर सकते हैं, ये भी भर सकते हैं, आप भी भर सकते हैं, डी भी भर सकते हैं, तो पहले बॉक्स में भरने के 5 तरीके हो गए, लेकिन जब एक लेटर इसमें एट अ पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर केस के बारे में कंसिडर कीजिए, मान लीजिए आपने यहां ओ भर दिया जब यहां पर, तो ओ आपने यहां भर दिया, तो अब आपके पास सेकंड बॉक्स में भरने के लिए 5 लेटर नहीं बचे, बल्कि 1, 2, 3, 4 ही लेटर बचे, क्यों, क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अब वो यहां भरा गया तो वो यहां नहीं भरना, तो सेकंड जॉब करने के 5 तरीके नहीं बचेंगे, बल्कि देयर विल बी 4 वेज, थर्ड जॉब करने के 3 तरीके होंगे, और चौथी जॉब करने के, चौथा बॉक्स भरने के सिर्फ 2 तरीके बचेंगे, एंड देन द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 5 into 4 into 3 into 2
ये तो फैक्टोरियल 5 हो गया है ना, ये तो फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 5 मतलब 120, तब 120 वर्ड बनेंगे, मतलब 100 कहने का मतलब क्या है, टोटल 625 वर्ड बनेंगे जिसमें से 120 वर्ड ऐसे होंगे जिसमें वर्ड लेटर्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहे होंगे। आउट ऑफ 625 वर्ड्स देयर विल बी 120 वर्ड्स इन विच द लेटर्स विल नॉट बी रिपीटिंग इटसेल्फ, है ना, ये वाली बात है। तो इस पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कितने वर्ड्स बनेंगे और उसमें से कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें लेटर्स रिपीट कर रहे होंगे, तो 625 में से 120 माइनस करके निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है ना कि पूछने के लिए तो कहीं से भी घुमा फिरा करके बातें पूछी, द पॉइंट इज कि हम लॉजिक को पर फोकस करें, क्वेश्चन की बनावट पर फोकस करें, किस तरीके से चीजों को पूछा जा रहा है, सवाल पूछने के क्या क्या पैतरे हैं, इस पर अगर आप फोकस करें। सो आई होप आपको विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, है ना, क्वेश्चन भले 2 हो लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने 3 पार्ट देखे, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने 2 पार्ट देखे। आई होप आप प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को रिलेट कर पा रहे हो, किस तरह से कब एंड वाला लॉजिक लगाना है मतलब मल्टीप्लिकेशन, कब और वाला लॉजिक लगाना है मतलब की प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है, कब जॉब्स को सक्सेशन की तरह देखना है कि हाँ बैक टू बैक जॉब्स करनी होंगी इस काम को करने के लिए, और कब हम या तो पहली वाली जॉब कर लें या तो दूसरी वाली जॉब कर लें, ये वाला हिसाब है। तो बहुत आसान है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को डिफ्रेंशिएट करना, बस जरूरत है थोड़ी प्रैक्टिस की। अपनी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लगाइए और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए फील फ्री टू आस्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, खूब खुश रहिए, खूब मेहनत।